हुई है, अरे कुर्बानी देंगे अब आदिवासी, कुर्बानी देंगे अब आदिवासी, अब सबकी मुट्ठी तनी हुई है, मिलेगा कब तक जनजाति दर्जा, ये दिल में हसरत बनी हुई है। अरे थे हम कभी इस देश के राजा, ये जल जमी बन सब कुछ था मेरा, किंतु अपने देश में अपनी दशा बेगानों सी बनी हुई है, मिलेगा कब तक जनजाति दर्जा। करे विनय अब हम थक हार बैठे, नहीं सूझता कोई किनारा, तो कृपा करो अब हे मोदी भैया, कृपा करो अब हे मोदी भैया, भंवर में किस्ती फंसी हुई लास्ट लाइन भैया। और इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा माननीय मोदी जी से, कि तूने तो हजारों की तकदीर संवारी है, तूने तो हजारों की तकदीर संवारी है। अरे माननीय एक बात तो यह कह दो, अब यूपी के कोलों की बारी है, यूपी के कोलों की बारी है। वही इसी शिक्षा के साथ नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। कोल समाज उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, सैकड़ों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं कि हमें एसटी स्टेटस चाहिए, इन लोगों को एसटी स्टेटस चाहिए, जैसे कि अन्य राज्यों में भी कहीं एसटी स्टेटस है, लेकिन यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो लगातार धरना प्रदर्शन चलते रहते हैं और मांग उठती रही है, लेकिन सरकारों का अनदेखा रवैया रहा है पूरा एसटी स्टेटस के लिए। मैं बात करूंगा जो शिवांशु कौल जी हैं, एडवोकेट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। शिवांशु जी, कैसे क्या लगता है आपको, सरकार सुनेगी आपकी बात? देखिए अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं सभी ने हम लोगों को कहीं ना कहीं छलावा करने का काम किया है, लेकिन आज ये उत्तर प्रदेश का कोल समाज नहीं, पूरे भारत का कोल समाज आज एक प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर उपस्थित है। और आज ये देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हर प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन हम लोग करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कोल जात को जनजात का दर्जा नहीं मिलता तो आने वाले समय में विशाल जन आंदोलन करने का हम लोग काम करेंगे। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है मुख्यतः वहाँ पर कोल समाज की उपस्थिति ज़्यादा है और मुलायम सिंह के समय में भी कुछ प्रगति हुई थी ऐसा है, लेकिन अब क्यों सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया? देखिए मुलायम सिंह जी की सरकार रही है, उस दौरान कुछ महीने के लिए लोगों को जनजात का दर्जा मिला था, लेकिन उसके बाद 2014 में दोबारा सरकार जब बनी, उसके बाद मुलायम सिंह जी ने की भी सरकार समाजवादी की उत्तर प्रदेश में बनी, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने कोलों को जनजात का दर्जा नहीं दिया। आप ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ कोल समाज को आज तक सभी जितने भी दल के लोग रहे हैं सिर्फ और छलावा करने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं जो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं और इन आदिवासी कोल समाज, भोले भाले आदिवासी समाज को पूरी तरह से बेचने का काम करते हैं, ऐसे समाज के गद्दारों और जनप्रतिनिधियों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस समाज की आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो आने वाला ये जो युवा है, जो आदिवासी युवा मंच है, जो कोल विकास समिति कई वर्षों से इस माध्यम से लड़ रही थी, और नौजवानों का जो हुजूम है, ये आज आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर जनजात का दर्जा हमको नहीं मिलता है तो हम लोग बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। आंदोलन की बात हो रही है लगातार, 2024 के इलेक्शन की भी बात हो रही है, मोदी जी से कुछ उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल उम्मीद है, हम इसी उम्मीद से आए हैं क्योंकि ये निरंतर जो है आदिवासियों के लिए काम कर भी रही है सरकार। हम चाहते हैं कि क्योंकि ये काफ़ी अरसे से ये कई संगठन इस जनजाति को लेकर निरंतर चल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसीलिए आज अभी तक जो था ये सिर्फ ठंडे बस्ते में रखा गया है। आज ये यहाँ का आदिवासी युवा जाग गया है और ये स्वयं खुद चल करके लड़ाई लड़ने के लिए, इस माने जनजाति अधिकार के लिए खुद चल कर आया है। जैसे कि जनरल है, SC है, OBC है, तो ST स्टेटस अगर आपको मिल जाएगा तो आपको फायदा क्या होगा, जनजाति के लोगों को फायदा क्या होगा? इससे बहुत फायदा है सर, तमाम रिजर्वेशन की बात है क्या? तो ठीक है रिजर्वेशन, उसके बाद भी इसमें जनजाति में ढेर सारे अधिकार है प्रशासन की ओर से आदिवासियों के लिए। देखिए इंडिजिनस पीपल हैं ये लोग, वो हैं जो कि मूल निवासी कहे जाते हैं, आदिवासी समुदाय से लोग आते हैं और लगातार अपनी
पहचान को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कहते हैं कि ये लोग मूर्ति पूजक नहीं होते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं। आइए बात करते हैं, लगातार आप आदिवासी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, आप सभी लोग मिलकर आदिवासी जनजाति का दर्जे की मांग कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुसार, तो आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुनती है? अब सरकार, अब ये तो सरकार जाने क्यों नहीं सुनती है, हम लोग तो हमेशा इसके मतलब कि पहले आप हम फायदा बताएं, जैसे फायदा पूछ रहे हैं क्या फायदा होता है, तो माने अब ये देखिए कि जनजाति होते हुए भी हम जनजाति मान नहीं जा रहे हैं। ये मान्यवर जब चित्रकूट में आए थे भगवान राम, उस समय का वर्णन है, ये पूरा वृत्तांत कोलों का है, तो कोल जाति जनजाति है, इसको पढ़ने के लिए हमको आना पड़ रहा है। ये बड़ी बात, हम 9-10 सालों से हम लगातार आ रहे हैं, अनवरत हर महीने आ रहे हैं और बड़े बड़े महानुभावों से मिल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। उसे होगा क्या कि कोलों के बच्चे जो है भौगोलिक परिवेश के कारण वो उनके कद छोटे होते हैं, ये पुलिस और सेना की भर्तियों में नहीं जा पाते हैं, हाइट उनकी कम होती है। यह है, और इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि अभी पिछले साल जो है 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जिसमें जो है 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 1133 सीटें एसटी खाली चली गई। हमारे कितने बच्चे, हजारों बच्चे जो है टीटी सुपर टेट क्वालिफाई हैं, आज अगर ये सीट मिली होती हमारे हजारों बच्चे हो गए होते। मतलब कहने का मतलब पूरे समाज के उत्थान की बात हो रही है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेटस मिले ये पूरे समाज की, और उसके बाद जनजाति को मिलने वाली सुविधाएं जो होती हैं उसे हमारे लोग वंचित रह जाते हैं। गिट्टी पत्थर तोड़ने वाले, लकड़ी काटने वाले, ये देखिए माननीय मैं नक्शा आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में ये गंगा जी के किनारा जमुना जी के किनारे के इधर एमपी से लगा हुआ, ये एमपी क्षेत्र है, ये एमपी राज्य है, यहाँ एमपी पर कोल जो है जनजाति है, ये बिहार है, झारखंड है, लगा हुआ है, अब केवल हमारी जो जमुना जी के इस पार और जो है गंगा जी की, मतलब उत्तर प्रदेश में ही सौतेला व्यवहार है, अन्य राज्यों में आप कह रहे हैं कि कोलों को जनजाति में रखा गया, जनजाति श्रेणी में रखा गया है। तो अभी क्या योगी आदित्यनाथ से भी कुछ डिमांड है आपकी? जी गए थे हम 18 सितंबर या 19-20 सितंबर को मैंने उनसे मुलाकात किया था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ प्रस्ताव जो है हम यहाँ से भेजेंगे, लेकिन 2 महीने का दिन हो गया, 3 महीने का, लेकिन अभी तक नहीं आ पाया है। मजबूर होकर के हमें सरकार के कानों में आवाज़ पहुँचाने के लिए ये सब किया जा रहा है यहाँ पर। ये जो इतना उदासीनता है सरकार की, क्या लगता है आपको आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, और सरकारों को, क्योंकि 2024 के इलेक्शन भी करीब ही हैं, तो आबादी तो उतनी नहीं है कि सीधा सीधा प्रभाव डाल सके उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी नैतिकता के या क्या अन्य तरीके होंगे जिससे आप अपनी बात को मनवाएंगे? देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस समय देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो भी हमारे कम्युनिटी से आती हैं, आदिवासी समाज की हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने अभी हाल ही में उनका बयान आया था, समाज के प्रति एक जिस प्रकार से संदेश दिया था, उस बातों को लेकर हम लोगों ने ये बात रखी है कि हमसे उनसे न्याय की उम्मीद है कि हमारे समाज की महिला हैं, प्रथम राष्ट्रपति आदिवासी समाज की हुई है, उनसे मेरा न्याय आपसे अपील है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात वहां तक जाए कि उत्तर प्रदेश के कुल जात को जनजात का दर्जा मिलना चाहिए। आपने कोई मेमोरेंडम उनके लिए भी तैयार किया? बिल्कुल हमने तैयार किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को हम लोग आज ज्ञापन सौंपेंगे इस संबंध में कि जनजाति का दर्जा दिलाने के सवाल पर आज हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? देखिए देश की जनता को तो मैं ज़्यादा संदेश नहीं देना चाहूँगा, मैं अपने समाज के जो कोल समाज, जो पिछड़ा समाज है, शोषित वंचित समाज है, उस समाज को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जब तक अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना होगा, सड़कों पर आना होगा, जब तक आप अपने अधिकार और आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो आपकी आवाज़ हमेशा दबने का काम करती रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।